यू गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। गाइस आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक के बारे में, जिसमें एक न्यू अपडेट आया है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे प्लेटिना 100cc ES डिस्क मॉडल के बारे में। कि मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस बाइक में आपको पहले डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब बजाज की तरफ से इस बाइक में भी आपको डिस्क वाला ऑप्शन देखने को मिल गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही वेरियंट दिखाने वाला। साथ में दोस्तों आप यहां पे इसमें हैंडल में एक नया अपडेट देख रहे हैं, जो कि मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ये भी एक न्यू अपडेट आपको प्लेटिना में देखने को मिल रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों प्लेटिना 100cc का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जानेंगे, प्राइस के बारे में जानेंगे, इंजन स्पेसिफिकेशन यानी कि ऑल स्पेसिफिकेशन जानेंगे आज की इस वीडियो में प्लेटिना 100cc के बारे में। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में। जैसे आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों के सामने प्राइस रखता हूं, उसके बाद ही मैं अलग स्पेसिफिकेशन रखता हूं। सबसे पहले मेरे हिसाब से प्राइस होता है, क्योंकि यार मेरे हिसाब से अगर हम किसी भी चीज़ को खरीदने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप सबसे पहले अपना बजट एंड प्राइस के बारे में ही सोचते हो, उसके बाद ही आप उस चीज़ को परचेस करते हो। और ये एक चीज़ मुझे काफ़ी बेटर लगती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपके बाइक की कॉपी करना भी शुरू कर दिए। चलिए बात कर लेते हैं के प्राइस के बारे में दोस्तों। तो ये बाइक आप लोगों को एक्स शोरूम प्राइस, जी हाँ एक्स शोरूम प्राइस 61,000 रुपीज के आसपास की देखने को मिल जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्लियर कर दूं कि ये बाइक्स का प्राइस बढ़ा है, और ये बाइक नहीं, यहां पे जितनी भी बाइक्स अवेलेबल है बजाज की और अदर कंपनीज की भी, तो उनका सबका थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज हुआ है, ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं, ताकि आप ये ना बोले कि भाई आप प्राइस कम बता रहे हो। वहीं बात करेंगे इसके हम ऑन रोड प्राइस के बारे में दोस्तों। तो ये बाइक हम लोगों को अभी 76,000 रुपीज के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है मेरे स्टेट छत्तीसगढ़ में। अब आप लोगों के यहाँ इसका क्या प्राइस है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। इस बाइक में 102cc का इंजन यूज किया गया है दोस्तों, नॉर्मली 100cc की बाइक कहते हैं। मैक्सिमम पावर में 7.9 का PS पावर मिल जाता है, जो कि 7500 RPM पे पावर जनरेट करता है। एंड मैक्सिमम टॉर्क में 8.34 का इंटरमीडिएट टॉर्क देखने को मिल जाता है, जो कि 5500 RPM पे पावर जनरेट करता है। पावर एंड टॉर्क ठीक है। वन नंबर ऑफ सिलेंडर में डिज़ाइन किया गया है। कूलिंग सिस्टम में एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, साथ में 2 वॉल्वो के साथ बाइक को डिज़ाइन किया गया है। ड्राई टैप में चैनडाई देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग टैप में आपको दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है, किक एंड सेल्फ। वहीं फ्यूल सप्लाई के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो इस बाइक में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने को मिल जाता है। ट्रांसमिशन मैनुअल देखने को मिलता है। गियरबॉक्स आपको इस बाइक में 5-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं। साथ में बोर में 47mm का बोर आपको इसमें देखने को मिलता है, एंड 58.8mm का स्ट्रोक हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है। नॉर्म्स टाइप यानी कि एमिशन टाइप BS6 मॉडल। दोस्तों ये था बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। बात कर लेते हैं अब इसके माइलेज के बारे में। जैसे आपको पता है कि ये बाइक माइलेज किंग कहलाती है इंडिया में, ये बाइक माइलेज के मामले में काफ़ी बेटर है दोस्तों। ब्रांड इसको तो 90 प्लस माइलेज क्लेम करती है, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो ओवरऑल रिव्यू है, फीडबैक है जो कस्टमर्स का, वो कहते हैं कि इस बाइक का जो माइलेज है वो लगभग आपको 75-80 के बीच में देखने को मिल जाता है। वो ये भी चीज़ डिपेंड करता है कि आप बाइक को राइड कैसा कर रहे हो, पर नॉर्मली इसमें आपको कहीं ना कहीं 75-80 के आसपास का माइलेज हमें देखने को मिल जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है, जो कि आपको अदर बाइक्स में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस बाइक को माइलेज के नाम में बहुत ज़्यादा परचेस किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके फीचर एंड सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सेफ्टी के बारे में। सबसे पहले हम ब्रेकिंग टाइप के बारे में बात कर लेंगे, सेफ्टी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस बाइक में आपको CBS देखने को मिल जाता है, जिसे हम कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन इसमें आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग देखने को मिलता है। दोनों ही सेम चीज है। इसमें क्या होता है कि जब आप एक ब्रेक पुश करते हो तो दोनों ही ब्रेक साथ में पुश हो जाते हैं। ये आपको अच्छा फीचर आपको इस व्हीकल में देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों फीचर में आपको इसमें हैंड गार्ड भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा बजाज की तरफ से, एक न्यू चीज भी
आपको इस बाइक में हैंड गार्ड भी देखने को मिल गई है। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। उसमें आपको स्पीडोमीटर एनालॉग मिलता है, टेकोमीटर एनालॉग मिलता है, कंसोल आपको एनालॉग देखने को मिल जाता है, साथ में पास स्विच भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। वही बात कर लेंगे दोस्तों इसके चेसिस एंड सस्पेंशन के बारे में। चेसिस टाइप में आपको इसमें ट्यूबुलर सिंगल डाउन ट्यूब विथ लोअर क्लेडर फ्रेम देखने को मिलता है। बॉडी टाइप बहुत ही प्यारी कमेंटर बाइक्स है। फ्रंट सस्पेंशन में दोस्तों हाइड्रेलिक टेलीस्कोपिक टाइप देखने को मिलता है एंड रियर में SNN सस्पेंशन आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसके लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है वो 2003 mm की है। बाइक की जो वीथ है दोस्तों वो 713 mm की है। बाइक की जो ओवरऑल हाइट है, सीट हाइट नहीं, जो ओवरऑल हाइट है वो 1100 mm की देखने को मिल जाती है। साथ में जो बाइक की सीट हाइट है दोस्तों वो है 804 mm की। वहीं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 11 लीटर की। एक बार में आप 11 लीटर पेट्रोल डला सकते हो। वहीं इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों काफ़ी अच्छी है, 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। साथ में इस बाइक की जो व्हील बेस है वो 1255 mm की देखने को मिल जाती है। वहीं इस बाइक की जो कर्व वेट है दोस्तों वो है 117.5 kg की। जी हाँ, 117 किलो के आसपास की बाइक है प्लेटिना 100cc। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। तो इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा हेलोजन लाइट देखने को मिल जाता है। हेड लाइट में हेलोजन मिल जाता है, टेल लाइट में LED मिलता है, टर्न सिंगल लैप भी देखने को मिलता है। साथ में आपको DRLS लाइट भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है, व्हाइट कलर की, काफ़ी प्यारी लगती है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों इसके टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे टायर साइज के बारे में। टायर साइज में 2.75 का टायर फ्रंट में देखने को मिल जाता है जो कि 17 इंच की व्हील के साथ आता है एंड रियर में 3.00 का टायर देखने को मिल जाता है कि 17 व्हील साइज के साथ हमें देखने को मिल जाता है। टायर टाइप आपको इसमें ट्यूब मिलता है, ट्यूबलेस नहीं मिलता। साथ में व्हील टाइप में अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। बात कर लेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो पहले मैंने आपको क्लियर किया कि ये प्लेटिना 100 का ही एक न्यू अपडेट आया है, नहीं मिलती थी, लेकिन अब आपको ये चीज देखने को मिल रही है। फ्रंट में आपको यहां पे डिस्क देखने को मिलता है इस बाइक में, साथ में रियर में आपको इसमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। ये था दोस्तों प्लेटिना 100cc का कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी। देखिए दोस्तों, अगर आप एक सर्विस बॉय हो, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम एक सर्विस बॉय है, जोमेटो में काम करते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे बेस्ट बाइक में से एक हो सकती है, क्योंकि आपको इसमें माइलेज सबसे ज़्यादा मिलेगा। और अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है सिर्फ ऑफिस से आने जाने के लिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दो गाड़ी रखते हैं, एक स्पोर्ट बाइक रखते हैं, एक नॉर्मल गाड़ी रखते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए प्लेटिना बेस्ट ऑप्शन है। आपको बहुत अच्छा माइलेज कर देगी ये बाइक, और नॉर्मली आपको ये बाइक 80 के आसपास का माइलेज दे देगी, तो और क्या चाहिए आपको। वैसे भी आप लोगों को बताया गया अभी पेट्रोल का प्राइस क्या है, तो मेरे हिसाब से एवरेज वाली जो गाड़ी यानी कि माइलेज वाली जो गाड़ी वो काफी अच्छी है हमारे लिए। ये तो दोस्तों प्लेटिना 100cc का कंप्लीट रिव्यू। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को बाइक कैसी लगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।